आर्टिका, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। सच में? मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। अरे बाबा सच में लाया हूँ, ये देखो। आर्टिका, आई लाइक यू वेरी मच एंड आई होप द फीलिंग इज म्यूचुअल। एंड आर्टिका, वी हैव मूव टुगेदर थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स। यस हीरो, इट इज वर्थ लॉट ऑफ दिस। सो आई नीड टू से समथिंग टू यू, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। यस, आई एम लिसनिंग डार्लिंग। आर्टिका, आई लव यू एंड आई वांट टू बी विद यू। Oh, I am so happy to hear it because I love you too. तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग से कि ये सब कैसे हुआ। आज मेरे पास कॉल आया था आर्टिका का, और जब मैंने कॉल पिक किया तो भाई उसने मुझे बुला लिया सुपर डेट के लिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हो सुपर डेट पे होता क्या है, हम लोग जाते हैं एक लोकेशन पे और वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स होते हैं, उनको जान से मार देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं इन लोगों को मार ही रहा था, लेकिन यार इस आर्टिका ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। मैंने कितनी बार इसको मना किया है कि जब मैं इन बंदों को मार रहा हूँ तो तू साइड में खड़ी हो जाएगा, लेकिन भाई ये नहीं मानती है, बिल्कुल नहीं मानती है। जैसे ही गुंडे आते हैं ये भी बीच में आ जाती है, और पता नहीं चलता ये उनको मारने आती है या बचाने आती है, क्योंकि भाई ये बीच में आ जाती है जिस वजह से हम उन पे टारगेट नहीं कर पाते ठीक से और उनको मार नहीं पाते। अब ये देखो यार, बंदों को मारूं या फिर इसे बचाऊं, मैं करूं क्या यार, समझ में नहीं आ रहा। इसे बोल दिया तो साइड मर जाएगा, अगर मुझे तेरी हेल्प की जरूरत नहीं है, मैं अकेला मार दूंगा इनको। इसने बिना बात अपनी हेल्थ देखो कितनी कम करवा ली। अरे तेरे समझ में नहीं आता तू बीच में क्यों आती है, साइड में रहकर वरना मार दूंगा। भाई ये क्या कर दिया भाई मैंने, अरे यार किक नहीं मारनी थी इसके, मुझे इसे समझाना था सिर्फ, और गलती से किक पे भाई यार टच हो गया और किक लग गई यार इस बंदी के। अब भाई रोपी रोका ना, ब्रेकअप पक्का हो चुका है, ये समझ लो भाई अब तो ब्रेकअप हो चुका है रोपी रोका। तो दोस्तों बस यहीं से हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी, जो कि रोपी रोकी ब्रेकअप से लेके ना रोपी रोकी आर्टिका के साथ में शादी तक पहुंच जाती है बात। तो चलो अभी हम देखते हैं कि क्या ही सीन बनता है। अभी रोपी रोका ना मूड काफी खराब हो चुका है, क्योंकि यार इसे उसको किक नहीं मारनी चाहिए थी और यार गलती से वो किक लग गई यार उसके। और अभी हम जा रहे हैं भाई कैसीनो, कैसीनो आ चुके दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि हमें एक नया ऑप्शन मिला है जिसमें हम ड्रिंक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी वजह से भाई जो कैसीनो हमने 5.8 वर्जन में बंद करवा दिया था उसे वापस से रीओपन करवा दिया, क्योंकि अब यहाँ आके हम भी भाई चैन से दो पैक लगा सकते हैं। तो भाई छोटे जल्दी से दो पैक बना दे। अभी बनाता हूँ रोपीरो। लेकिन रोपीरो तुम तो यार दारू पीते ही हो, तुम कब से पीने लग गए? हाँ भाई पीता तो नहीं हूँ, लेकिन यार आज तो पीनी पड़ेगी, आज तेरे भाई का ब्रेकअप हो गया है, तो तू भी यार आज मुझे मत रोक पीने से, क्योंकि भाई जब मैं ये पीऊंगा ना तो ही थोड़ी शांति मिलेगी मुझे। आज मैंने बहुत बड़ा कबाड़ा कर दिया, मैंने अपनी बंदी को यार किक मार दी, पता कोई किक मारता है? चल कोई नहीं, मुझे पीने दे। अरे वाह यार बहुत अच्छा बनाया तूने छोटे, बहुत अच्छा बनाया पैक। अरे वाह, एक काम कर छोटे, एक पेक और बना यार, एक से आज पार नहीं पड़ने वाली, तू एक और बना। हाँ हाँ अभी बना देता हूँ, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा सिर्फ दारू पीने से आपकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। आपको अगर उस बंदी को मनाना है और ब्रेकअप को रोकना है तो आपको उसे कोई गिफ्ट देना चाहिए। अरे रुक यार, मुझे लगता है मेरे चढ़ गई है यार। अरे यार हाँ यार छोटे, वैसे तू बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है, मुझे उसे कोई गिफ्ट देना चाहिए। तो चलो यार दोस्तों, मुझे लग रहा है यार मेरा सिर क्यों चकरा रहा है, मैं यार कभी नहीं पीता, आज पी लिया। ओ भाई ये मैं किधर जा रहा हूँ? तो दोस्तों यार इस बंदे ने, अरे यार मैं तो गिर गया यहीं पे। दोस्तों यार मुझे तो कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई लगता है। तो चलो यार अभी हम यहाँ से चलते हैं, और इस बंदे ने यार बात सही बोली एकदम, हमें उसको कोई गिफ्ट देना चाहिए। तो यार क्या गिफ्ट दूँ मैं उसको, चलो बाहर चल के देखते हैं उसे कोई गिफ्ट देंगे और फिर उसको मना लेंगे फिर से। ऐसा हमने पहले भी किया भाई, पहले भी ब्रेकअप हो गया था तो हमने उसको गिफ्ट दिया था और वो मान गई थी भाई, पैचअप हो गया था, लेकिन इस बार समझ में नहीं आ रहा क्या गिफ्ट दूँ। चलो देखते हैं, चलते हैं पहले तो। अरे वाह 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 भाई, ताजी हवा खा के तो मेरा सारा नशा ही उतर गया। ओ भाई आर्टिका का कॉल भी आ गया, अब तो बचा था जो नशा भी उतर चुका है। तो भाई मैंने आर्टिका से बात कर ली है, और भाई वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही थी, और उसने मुझे एक लोकेशन सेंड की है और उसने कहा है कि जल्दी से यहाँ पे आओ। तो भाई अब तो पता नहीं क्या ही सीन होगा, मुझे तो लगता है आज ब्रेकअप पक्का हो जाएगा, लेकिन कोई नहीं भाई ब्रेकअप नहीं होने देना है हमें, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट दे के जल्दी से मना लेना है। तो चलो जल्दी से चलते हैं वहाँ पर।
तो दोस्तों मैं उस लोकेशन पे पहुंच चुका हूं जहां पे आर्टिका ने मुझे बुलाया था, और फन फैक्ट ये है कि अभी तक वो यहां नहीं आई, मतलब हमें थोड़ा टाइम और मिल चुका है उसके लिए गिफ्ट लेके आने के लिए। तो अभी तक तो मैं भाई खाली आती हूं, लेकिन अभी मैं जा रहा हूं भाई गिफ्ट लेने के लिए। जब तक आर्टिका यहां आती है उससे पहले हम लोग गिफ्ट लेके आएंगे उसके लिए। और वो गिफ्ट यार यहीं कहीं लोकेशन दिखा रही है, वो गिफ्ट कहां पे है भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यार जल्दी से चलते। अरे भाई ये क्या स्टेमिना ही खत्म हो गया भाई का। अरे भाई सुपर हीरो रो पीरो क्या कर रहा है, ये स्टेमिना तो मत खत्म कर भाई, स्टेमिना की तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो जल्दी से इसके लिए हम स्टेमिना भाई बाय कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं शॉप के अंदर, और कहाँ है भाई स्टेमिना, ये रहा भाई, स्टेमिना की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर बंदी नहीं मानी और फाइट हो गई तो भाई अपनी इज्जत का कचरा भी हो सकता है, इसलिए हमने भाई ऑलरेडी परचेज कर लिया है स्टेमिना। और अभी हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि जो हमारा गिफ्ट है भाई वो इसी बिल्डिंग के ऊपर है। तो हम भाई हमारी निंजा ट्रिक लगा के फ्लिप मार के आ चुके हैं इस बिल्डिंग के ऊपर, और वो देखो सामने हमारा गिफ्ट रखा हुआ है। ये देखो दोस्तों हमारा गिफ्ट यहाँ पे है, हम ये लेके जाने वाले हैं और आर्टिका को देने वाले हैं। तो जल्दी से हम चलते हैं यहाँ से। अब हमने गिफ्ट ले लिया है भाई, लेकिन इसके हाथ में तो दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ भाई कौन से पॉकेट में रख लिया। इस ड्रेस के अंदर तो कोई पॉकेट भी नहीं है जहाँ तक हम लोग जानते हैं, पता नहीं भाई वो गिफ्ट कहाँ ही चला गया है। ओ भाई कहाँ छुपाया बता तो दे। तो दोस्तों हम लोग वापस से आ चुके हैं उसी लोकेशन पे जहाँ पे आर्टिका ने हमको बुलाया था, और इस बार हम खाली हाथ नहीं आए भाई, गिफ्ट लेके आए। और ये रही आर्टिका। हेलो आर्टिका, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तो पहले पास तो आ, पास आएगी तब दिखाऊंगा ना। हाँ अब देख, तुझे मैं झूठा लगता हूँ ना। अरे इस बार झूठ नहीं, ये देख पागल सच में गिफ्ट लेके आया हूँ। थैंक यू रोफिरो। आर्टिका तुम मुझे बहुत पसंद हो, और मुझे लगता है तुम भी मुझे पसंद करती हो। हाँ रोफिरो, हाँ तुम भी मुझे बहुत पसंद हो। सो फाइनली हमने रोफिरो का ब्रेकअप तो कैंसिल करवा दिया है, लेकिन अभी हमें रोफिरो की शादी भी करवानी है भाई आर्टिका के साथ में। अभी तो सिर्फ बात लाइक तक पहुंची है, लव तक भी पहुंचानी है। तो भाई यहाँ देखो पूरे 300 पॉइंट्स है, और अभी तक हमें सिर्फ 41 पॉइंट्स ही मिले हैं। तो भाई हमें 300 पॉइंट्स लेने होंगे, उसके लिए भाई हम आर्टिका को जगह जगह पर डेट के लिए लेके जाएंगे, और सुपर डेट के लिए भी लेके जाएंगे। तो अभी हम इसे डेट के लिए लेके आए हैं। कहाँ पे ये जगह देखो यार, कैसीनो के पीछे की साइड में जहाँ पे स्विमिंग पूल है वहाँ पे अभी हम डेट के लिए आए हैं। और भाई इसी तरीके से हमें इसे डेट पे लेके जाना है, सुपर डेट पे लेके जाना है, और अपने पूरे 300 पॉइंट्स कंप्लीट करने हैं। तो दोस्तों क्या आपने ये 300 पॉइंट कंप्लीट किए हैं या नहीं, कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। तो ये जो नई अपडेट आई है 5.9, इसके अंदर भाई साहब अभी देखना क्या क्या सीन होते हैं 300 पॉइंट कंप्लीट करने के बाद में, देखना क्या ही होने वाला है। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं यार, जब हम सुपर डेट पे जाते हैं तो हमें 20 पॉइंट्स मिलते हैं, और अगर इस तरीके से जैसे अभी मैं डेट पे जा रहा हूँ आर्टिका के साथ में, तो इसमें सिर्फ 10 ही पॉइंट्स मिलते हैं। और भाई डेट में ना चिक चिक बहुत ज़्यादा होती है, मतलब क्या बताऊँ यार, इस बंदी के इतने नखरे हैं कि पूछो मत यार। अभी देखना इसके नखरे कितने ज़्यादा नखरे करती है। एक तो डेट पे हमें पॉइंट्स कम मिलते हैं, और सुपर डेट पे जाने के 20 पॉइंट्स मिलते हैं। तो भाई सुपर डेट पे जाना चाहिए अगर 300 पॉइंट्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हो। और अब देखो भाई इसके नखरे, हमें गाड़ी पीछे रोकनी थी थोड़ी सी, हम गाड़ी ना इसके घर से ज़्यादा दूर लेके आए। देखो घर थोड़ा ज़्यादा भी दूर नहीं है, थोड़ा सा ही पीछे है, लेकिन भाई बंदी अभी तक गाड़ी से नहीं उतर रही है। चलो वहाँ चल के देखते हैं, शायद मिशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन देखो भाई, अगर गाड़ी को हम इसके घर के गेट के सामने ही नहीं रोकेंगे ना, तो भाई हमारी डेट ही कंप्लीट नहीं होगी यार। मतलब इसके नखरे यार, यहाँ से उतर के खुद भी तो जा सकती है, लेकिन नहीं भाई साहब, नखरे तो करने इनको। तो ये ले भाई, अब तो बिल्कुल इसके गेट के सामने ही रोकूंगा गाड़ी। अब तो होगा ना मिशन कंप्लीट। यार भाई डेट मत करना, सुपर डेट कर लेना यार, 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखो अभी 10 पॉइंट्स ही मिले हैं। तो भाई इस तरीके से मैं अब सुपर डेट्स करने वाला हूँ, क्योंकि डेट में तो देख लिए भाई इनके नखरे। तो भाई सुपर डेट पे जब हम इसको लेके आए, तो यहाँ पे भी देखना ये क्या ही रायता फैलाती है यार। यहाँ पे ये जो बंदे आते हैं इन्हें मारने भी नहीं देती, बीच में आ जाती है। हमारा जो पहले झगड़ा हुआ था, मैंने इसे मार दिया था किक, वो भी इसी वजह से मारा था क्योंकि बीच में आ जाती है। और यहाँ पे देखो अभी इस बुढ़े अंकल से लड़ रही है। अरे यार इसे नहीं मारना, जिन बंदों को मारना है उनको ये मारती नहीं है। और यहाँ पे बेचारा बुढ़ा अंकल था, उसके साथ में फाइट स्टार्ट कर दी। मतलब यार ये आर्टिका सच में पागल ही है क्या यार। यहाँ पे देखो किसको मारना था और ये किसको मार रही है। अब उस बुढ़े को मुझे मारना पड़ा इसकी वजह से, और उस बुढ़े के कंकाल ने मुझे गिरा ओढ़ दिया। यार सच में ये लड़की नहीं है भाई, मुसीबत है बहुत बड़ी। डेट पे लेके जाओ तो नखरे दिखाती है, सुपर डेट पे लेके आओ तो भाई सब पागलपन दिखाती है। मतलब क्या ही किया जाए यार, इसका कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। और यहाँ पे देखो कितने सारे बंदे आ गए, अब मैं इन सबको मारूंगा और वो बीच में ना आ जाए, इसलिए मैं जल्दी से उठ के यहाँ पे आ गया। और ये भाई आ गई मुसीबत। अरे यार भाई, मतलब देखो भाई कितनी दूर हो के पंच से मारी भाई, बंदूक है लेकिन बंदूक से नहीं पंच से मारेगी बंदी यार, पागल है सच में। तो यार दोस्तों सुपर डेट और डेट दोनों ही इसके साथ तो बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई
हम ये 300 पॉइंट्स कंप्लीट करने वाले, इसलिए हमने थोड़ी वीडियो को ट्रिम कर दिया था। अभी देखो यहाँ पे 281 पॉइंट्स हो चुके हैं, मतलब अब एक और सुपर डेट करनी होगी और हमारे पूरे 300 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं लास्ट फाइनल सुपर डेट पे, लेकिन भाई अभी भी हमें भाई काफ़ी स्मार्टली खेलना होगा क्योंकि ये बंदी हमारे पीछे पीछे ना आ जाए, इसलिए हम काफ़ी स्पीड में आगे फ्लाई करके आ चुके हैं। और वो जब तक यहाँ आए उससे पहले हम इन बंदों को मार देते, वरना वो बीच बीच में आएगी और हमारे हाथों वही मारी जाएगी, और पता है उसकी हेल्थ कम हो जाएगी तो भाई हमें पूरे 20 पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। मतलब हमें इसकी हेल्थ को फुल रखना है, इसकी हेल्थ कम होती है हमारे 20 पॉइंट्स में से कम हो जाते हैं। तो भाई ये जो बंदे आ रहे हैं इन्हें भी मैं मार रहा हूँ, और आ जा बेटा थूक गया। तो भाई अभी तक तो ये बंदी बीच में नहीं आई है, और अभी देखते हैं काफ़ी बंदे और आ रहे हैं भाई अभी, तो इन सबको मारने के बाद में भाई हमारे पूरे 300 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, और उसके बाद में हम देखेंगे क्या सीन होता है। भाई अब तो इसका पंगा हो गया इन बंदों के साथ में, अरे तू साइड में हट जा मैं मार लूँगा तू यार, मतलब इसे कह रखा है मैंने इतनी बार साइड में हट जाएगा लेकिन नहीं मानती, क्या ही करें इसका। लेकिन भाई हमने इसकी देखो हेल्थ कंप्लीट फुल्ली फुल रखी है, इस वजह से हमें पूरे 20 पॉइंट्स मिल चुके हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमारे पूरे 300 पॉइंट्स फाइनली कंप्लीट हो चुके हैं, और वो बंदी भी यार यहाँ से गायब हो चुकी है। तो चलो अब देखते हैं 300 पॉइंट्स मिलने के बाद में क्या ही होता है। तो दोस्तों मैप पे देखते हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमें 300 पॉइंट्स लेने थे लेकिन हमने एक पॉइंट ज्यादा ले लिया है, 301 पॉइंट्स हो चुके हैं। अब देखते हैं भाई मैप पे कोई ना कोई नया मिशन तो हमें जरूर से मिला होगा। तो यहाँ पे जूम करके देखते हैं, नहीं भाई ये तो वही डेट वाला है, और भाई कहीं और कुछ नया है। ओ भाई यहाँ पे कुछ है भाई कैसीनो के पीछे। ओ भाई यहाँ पे देखो कैसीनो के पीछे एक नया ऑप्शन आ चुका है, नया मिशन आ चुका है। तो चलो जल्दी से वहीं पे चलते हैं और देखते हैं क्या ही सीन होता है। और तो इसके अलावा सुपर डेट का भी आ रहा है, मतलब अभी इसके तीन आ रहे हैं भाई, हमेशा दो ही ऑप्शन आते हैं, दो ही मिशन आते हैं, डेट का, सुपर डेट का, और अभी जो तीसरा आ रहा है वो भाई कुछ अलग ही मूवमेंट क्रिएट करने का आ रहा है। तो चलो हम वहीं पे चलते हैं और देखते हैं क्या ही मूवमेंट क्रिएट होता है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे, आर्टिका हम दोनों ने मिलकर कि बहुत सारे कारनामे किए हैं, अब टाइम आ गया है असली बखेड़ा खड़ा करने का। हाँ, सही कह रहे हो, हमें जरूर से कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा करना चाहिए। ठीक है तो पहले मैं ही शुरुआत करता हूँ, मैं ना तुमसे बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। हाँ, जानू बोलो क्या बोलना है, मैं सुन रही हूँ। मैं ना आर्टिका यार तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं भी तुमसे शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ रोफिरो। अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा आइडिया है, चलो हम अभी चल के शादी कर लेते हैं। और आर्टिका शादी करने के लिए जादू मंदिर रहे थे लेकिन हॉस्पिटल पहुंच गए हैं बेचारे, उनकी यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था इसी वजह से वो अभी हॉस्पिटल में है और उनकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। तो यार उन लोगों को बचाने के लिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो क्योंकि अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे तभी वो लोग जिंदा बच पाएंगे। तो दोस्तों यार अब बात थी इस न्यू अपडेट की, तो यार ये जो रोफिरो वेस्टर्न गेम की न्यू अपडेट 5.9 वर्जन आया है इसमें रोफिरो आर्टिका को प्रपोज कर सकता है और गिफ्ट दे सकता है, लेकिन भाई शादी तो नहीं कर सकता। शादी करने के लिए हमें इंतजार करना होगा न्यू अपडेट आने का जो कि 5.10 में हो सकता है कि ये दोनों शादी भी कर लें। तो चलो दोस्तों क्या विचार है आपका इस सब के बारे में कमेंट करके जरूर बताना, अगर आप लोग चाहते हो यार कि रोफिरो सच में आर्टिका के साथ में शादी कर ले तो इस वीडियो को ना काफ़ी सारा लाइक करो और कमेंट करके बताओ। तो चलो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, कैसी लगी यार ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।